हाल ही में निमरत कौर का ऐसा चौंकाने वाला बयान आया जिससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं अभिषेक बच्चन की पर्सनालिटी पर। सिद्धार्थ खनन को दिए गए इंटरव्यू में निमरत कौर ने कुछ ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। जी हाँ, निमरत कौर ने कहा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी अभिषेक बच्चन के बारे में, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसके बच्चे भी है। ये बहुत ही बुरा हो जाएगा अगर मैं कुछ कहूँ और वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। ऑलरेडी ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते में दरारों की अफवाहों ने काफ़ी जगह ली है, तलाक तक मामले पहुँच गए हैं। इस बीच एक इंटरव्यू निमरत कौर का आया है सामने ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते पर। जी हाँ, अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या को धोखा दिया है अपनी 10वीं को स्टार निमरत कौर के साथ। रिपोर्ट्स में ऐसे दावे हुए हैं। जी हाँ, नेटिजन्स ने इंटरव्यू को सामने लाकर रखा है, सोशल मीडिया पर उसे शेयर किया, जिसमें 10वीं फिल्म को प्रमोट कर रहे निमरत ने कुछ ऐसी ही बातें की है और उन्होंने एक्स को लेकर मेंशन किया है। जी हाँ, उन्होंने डिस्क्राइब किया जब अपने एक्स को स्टूडियो में देखा, उन्होंने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा शाई और ग्रेट हेयर है। उन्होंने कहा वो हमेशा केमिस्ट्री होमवर्क में उन्हें हेल्प करते थे। अभिषेक बच्चन ने उनका मजाक किया, क्या उन्होंने अपने टीचर को डेट किया। इसी पर निमरत हंसती नजर आई और कहीं नहीं, वो मेरा क्लासमेट था। इसके बाद इंटरव्यूअर ने पूछा क्यों उन्होंने ब्रेकअप किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए कदम उठाया। अभिषेक बच्चन काफ़ी रिएक्ट करते नजर आए, ओ माई गॉड गुड वन। जी हाँ, इस तरह के बीच बॉन्ड सामने आई थी और ऐश्वर्या राय बच्चन फैमिली के साथ कई पार्टीज़ में नज़र नहीं आई हैं। 2022 के बाद से ही बहुत रेयरली पिछले 2 साल में बच्चन फैमिली के साथ ऐश्वर्या को स्पॉट किया जा रहा है, जिसके कारण कहा जा रहा है कहीं ना कहीं निमरत और अभिषेक की नज़दीकियाँ भी ऐश्वर्या को बच्चन परिवार से दूर कर गई। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से रिपोर्ट।